हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित रंगलानी, स्टूडेंट ऑफ बीफार्म थर्ड ईयर। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल और डायबिटिक रेंज के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप पता लगा सकते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड शुगर लेवल को हम दो टाइम पीरियड पे नोट करते हैं। नंबर वन, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। खाली पेट ब्लड टेस्ट करवाने पर जो रेंज आती है उसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। नंबर सेकेंड, पोस्टप्रेंडियल। भोजन करने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर टेस्ट करवाने पर जो रेंज आती है उसे पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल कहते हैं। सबसे पहले नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल के बारे में जानते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अगर फास्टिंग मिनिमम 70, फास्टिंग मैक्सिमम 100, पोस्टप्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर लेस देन 140 है तो यह नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को दर्शाता है। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग मिनिमम 100, फास्टिंग मैक्सिमम 125, पोस्टप्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 to 200 है तो यह प्री डायबिटिक कंडीशन को दर्शाता है। प्री डायबिटीज वह कंडीशन होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, पर इतना नहीं कि उन पेशेंट्स को डायबिटिक पेशेंट घोषित किया जा सके। प्री डायबिटीज कंडीशन में अगर पेशेंट ने हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं किया तो भविष्य में वह डायबिटिक पेशेंट बन सकते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग मिनिमम मोर देन 126, फास्टिंग मैक्सिमम मोर देन 126 और पोस्टप्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद मोर देन 200 रहती है तो यह एस्टेब्लिश्ड डायबिटिक कंडीशन को दर्शाता है, यानी इन रेंज में जो पेशेंट रहते हैं वह डायबिटीज के एस्टेब्लिश्ड पेशेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोहित रंगलानी फिल्म्स। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।